हमने दोस्तों तरह तरह की बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस का नाम सुना है। बहुत तरह की फेडरेशंस है पूरी दुनिया भर में, और सभी की अपनी अपनी कुछ खासियत है। कोई ज़्यादा पॉपुलर है, कोई कम पॉपुलर है, लेकिन इन सब के ऊपर सबसे बड़ी जो फेडरेशन निकल करके आती है वो आती है IFBB। बेसिकली इसी के ऊपर अपना चैनल भी है। तो ये क्या रीज़न है कि IFBB ग्रो होते होते इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई और आज मिस्टर ओलंपिया एक दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन बन गया है बॉडी बिल्डिंग का? इसी के ऊपर दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है और यही आज का वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं कि क्या वो रीज़न है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आज मिस्टर ओलंपिया इतना पॉपुलर है दूसरे सब फेडरेशंस के कॉम्पिटिशन से। तो हमने तरह तरह के दोस्तों फेडरेशंस देखी हैं। बहुत पुरानी पुरानी फेडरेशंस हैं जो कि IFBB से भी पुरानी है, लाइक नेबा हो गई, AAU हो गई, और इनके अंदर आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है। शायद आप में से आप लोगों को मालूम भी ना हो कि 2018 में नेबा का कौन ओवरऑल चैम्पियन बना, जो मिस्टर यूनिवर्स बना, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि मिस्टर ओलंपिया के अंदर इस साल चैम्पियन कौन बना। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का कि ओलंपिया इतना पॉपुलर है? मिस्टर ओलंपिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का जो एक रीज़न होता है ना, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो हम सब लोग जानते ही हैं, और वो ये है कि एक जो मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन होता है ना, उसकी फिजिक अनबीटेबल होती है। जितने भी अलग अलग फेडरेशन के जो भी चैम्पियंस हैं उनमें सबसे ऊपर और सबसे बेहतरीन फिजिक, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिजिक होती है मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन की, और इसीलिए लोग जाते हैं उस चैम्पियन को देखने के लिए। ये एक सबसे बड़ा और अहम रीज़न है जो कि हम सब लोगों को मालूम ही है। तो ये एक रीज़न हो गया, ठीक है, लेकिन एक दोस्तों उसका सबसे एक स्पेसिफिक रीज़न है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और वो रीज़न इस कॉम्पिटिशन को बाकी सारे कॉम्पिटिशन से अलग बनाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हर एक फेडरेशन के अंदर अलग अलग चैंपियंस बनते हैं। हर साल के हिसाब से एक नया चैंपियन बनता है जो दूसरी फेडरेशंस होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई भी एक चैंपियन बहुत बार रिपीट नहीं होता, और सबसे बड़ी बात जो मिस्टर ओलंपिया को स्पेशल बनाती है या फिर दूसरी फेडरेशन से अलग करती है, IFBB को जो दूसरी फेडरेशन से अलग करती है, वो ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस जो होते हैं 6 बार, 7 बार, 8 बार भी बनते हैं, और बार बार एक ही चैंपियन रिपीट होता रहता है। तो ये कि ये बहुत बड़ा रीज़न है। हो सकता है आप लोगों को बहुत इफेक्टिव बात ना लगती हो ये, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर हम नेबा को उठाएं, नेबा एक जो फेडरेशन है, या फिर AAU को अगर हम देखें, या फिर हम किसी भी और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को देखें, फॉर एग्जांपल नेबा को अगर हम देखें, तो बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी वही बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है। लगभग 60-70 साल हो गए होंगे उसको, और उसमें विनर्स भी लगभग लगभग 40-50 नेबा मिस्टर यूनिवर्स बन चुके होंगे। क्या इतने सारे विनर्स मिस्टर ओलंपिया में है? मिस्टर ओलंपिया की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर है सिर्फ 14 मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस आज तक के, और 14th अभी बने हैं शॉन रोडन, हम सबको पता है। तो इतने कम मिस्टर ओलंपिया विनर्स क्यों हैं? क्या इस चीज़ पर कभी आपने गौर करा है? ओलंपिया में हम लोग ये देखते हैं कि एक जो चैंपियन है वो लंबे टाइम तक रेनिंग चैंपियन रहता है, और उसका एक रेन बना रहता है, एक उसका एरा होता है, और यही सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जो एक एरा होता है ना एक बॉडी बिल्डर का, वो एक लेगेसी बनाता है उस चैंपियनशिप की, उस टाइटल की, और साथ ही साथ पूरी कंपनी की। ये एक फैक्ट है। और दोस्तों एक सीधा सा असूल ये आता है, पॉपुलैरिटी तब बनती है किसी भी डिवीजन की, किसी भी फेडरेशन की, जब एक बॉडी बिल्डर का एरा चलता है, जब वो एक लंबे टाइम तक रेन करता है एक डिवीजन में, यानी उसका एक टाइम रहता है, 7 बार 8 बार वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन रहा है। अगर साल भर साल एक चैंपियन बदलता रहेगा तो कैसे वो कंपनी को या फिर उस टाइटल को प्रमोट करेगा, कैसे वो कंपनी को लीड करेगा? क्या वो एक एरा बहुत पॉपुलर माना जाएगा? एरा बनेगा ही नहीं तो पॉपुलर होगा कहाँ से? आप लोग मुझे बताइए कि मिस्टर ओलंपिया में लीस्ट फेमस जो एक टाइम था वो कब था? तो मेरे हिसाब से वो एक टाइम था 81, 82 और 83 का, और इस समय पे हम लोगों ने ये देखा था कि चैंपियंस लगातार हर साल बदल रहे थे। तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि IFBB को कोई फेस ही नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि आर्नोल्ड एक फेस थे। तो अगर लगातार मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस बदल रहे होते पिछले 50 सालों में, पिछले 55 सालों में, अगर हम देखते कि 40-40 मिस्टर ओलंपिया बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कभी भी मिस्टर ओलंपिया इतना फेमस नहीं होता जितना कि आज है। क्या हम लोगों ने कभी ये सुना है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो एरा था वो लीस्ट फेमस हो, या रोनी कोलमैन के टाइम पे पॉपुलैरिटी कम थी ओलंपिया में, या फिर डोरिनेट्स का एक टाइम था जो कि लीस्ट कॉम्पिटिटिव हो, लीस्ट फेमस हो? नहीं, उल्टा ये तो बहुत फेमस एरा थे, और इन्होंने ही तो बॉडी बिल्डिंग की नींव रखी, इन्होंने ही तो मिस्टर ओलंपिया को एक जो फेम होना चाहिए आज जो है वो एस्टेब्लिश करा, वो दिया। और यही तो बात है, यही तो पॉइंट है मेरा इस वीडियो में कहने का, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक एक बॉडी बिल्डर की लेगेसी बनी रहती है, वो एक लंबे टाइम तक रेन करता है, 7 बार 8 बार बनता है चैंपियन, तभी एक बॉडी बिल्डिंग का एरा बनता है और तभी मिस्टर ओलंपिया की एक पॉपुलैरिटी बनती है। भले हम लोग देखना ना चाहे, हम लोग चाहते हैं कि प्रेजेंटली जो जो अभी करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन चल रहा है वो बदल जाए। मान लीजिए फिल हीथ अभी तक चल रहे थे, सब लोग चाहते थे फिल हीथ चेंज हो जाए, चले जाए, कोई और आ जाए, और अभी वो चीज़ हो गई है। अगर अगले साल हम चाहें शॉन रोडन हट जाए तो कोई और आ जाएगा, लेकिन अगर लगातार इस तरह से बदलते रहेंगे बॉडी बिल्डर्स तो कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा?
कंपनी को तो एक सबसे बड़ा एक नाम चाहिए ना जो कि कंपनी को चलाए। तो इस चीज़ से कंक्लूजन निकल करके आता है और इस बात से हम आ जाते हैं अभी की सिनेरियो पर। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ आज की सिनेरियो की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नाम है जो कि कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। डेफिनेटली आप में से कई लोग कहेंगे अब शॉन रोडन तो चैंपियन है। हाँ बिल्कुल है शॉन रोडन चैंपियन, लेकिन क्या वो लगातार आने वाले 5 से 6 सालों तक चैंपियन रह सकते हैं? उनकी एज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। और कंपनी को तो कम से कम IFBB को ऐसा कोई ना कोई चैंपियन तो चाहिए जो कि 5 या 6 सालों तक तो अपना कम से कम एरा चलाए, जिससे कि एक फेम तो मिले, एक टाइटल आगे तो बढ़े। वो अगला नाम अगर मैं रखता हूँ तो वो निकल करके आता है रोली विंटलर का। बट रोली विंटलर की एज भी 40-41 साल की है और उनको देख कर भी ये नहीं लगता कि वो इस लेगेसी को लगातार 5 या 6 या 7 सालों तक आगे बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली नहीं। और किसी और बॉडी बिल्डर की बात करूँ तो मुझे अभी कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं दिखता सिवाय बिग रैमी के। रैमी के पास हाँ चांस है, अगर वो अगले साल चैंपियन बनते भी हैं तो लगभग 4 या 5 सालों तक वो चैंपियन बन सकते हैं और आगे मिस्टर ओलंपिया की लेगेसी को बढ़ा सकते हैं। तो वही वाली बात है, अगर हम मान लीजिए अगले साल देखें काई ग्रीन कमबैक कर रहे हैं वो चैंपियन बन गए, उससे अगले साल रोली विंटलर आ गए वो चैंपियन बन गए, उससे अगले साल बिग रैमी चैंपियन बन गए, हर साल चैंपियन बदलते ही जा रहे हैं, तो कहाँ बना मिस्टर ओलंपिया का एक वो एरा, कहाँ एक वो चैंपियन तैयार हुआ जो कि अनबीटेबल हो, जैसे कि हमने डोरी नेट्स और रोनी कोलमैन के केस में देखा। क्योंकि इनको देख कर ये नज़र आता है कि ये चैंपियंस ऐसे हैं जो कि अनबीटेबल थे, इनके आसपास भी कोई नहीं आ पाता था। और जब आता भी था, कभी कभी कुछ ऐसे ईयर्स भी हुए हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन बॉडी बिल्डर्स को ही जिताया गया, जो जीत थी इन्हीं के हक में गई। और मान लीजिए अगर हम उन सालों में 97 की अगर बात करूँ, 97 में डोरी नेट्स हार गए होते, नेसर एल्सम बाटी अगर चैंपियन बन गए होते, तो क्या 97 का ईयर इतना फेमस होता? और वो कॉन्ट्रोवर्शियल होने के कारण ज़्यादा फेमस है, अगर 97 में नेसर चैंपियन होते तो शायद उस ईयर को भी हम उसी तरह से याद रखते जिस तरह हम 81, 82 या 83 के ईयर को याद रखते हैं। तो ये भी एक बात है कि अगर कंट्रोवर्शियल ईयर होते भी हैं तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कंपनी के लिए, तो एटलीस्ट, क्योंकि वो उल्टा फेमस ही कर रहे हैं उस साल को और एक बॉडी बिल्डर का जो एक रेन बनना चाहिए वो लगातार बना ही रहता है। तो ये वाली बात मैं आपको कहना चाह रहा था इस वीडियो में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वो ये जो रीज़न मैंने अभी आपके सामने रखा कि इन बॉडी बिल्डर्स को क्यों जिताया जाता है, जैसे डोरी नेट्स को 97 में जिताया गया, कई लोग हम में से मानते हैं जे कटलर को 2007 में जिताया गया, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो कहानी आती है वो आती है जो वीडर का इन बॉडी बिल्डर्स को, इन चैंपियंस को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी वीडर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आपने से कई लोगों ने देखी थी। ये एक ऐसा रीज़न है जो कि हर कोई मेंशन नहीं करेगा और शायद बहुत ही कम लोगों को ये रीज़न मालूम हो। और उसमें मैंने बताया था कि एक चैंपियन होता है, जाहिर सी बात है, एक जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे महान जो बॉडी बिल्डर होगा उसका उसके पास सबसे बड़ा वीडर कॉन्ट्रैक्ट होगा जो AMI देती है। और ये भी एक रीज़न है कि जो वीडर के जो चैंपियंस होते थे वो लंबे टाइम तक चैंपियन बने रहते थे, क्योंकि जो वीडर सबसे ऊंचा कॉन्ट्रैक्ट अपने चैंपियन को ही ऑफर करते थे। और इतना ऊंचा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद डेफिनेटली जो वीडर ये चाहेंगे कि अगर ये बॉडी बिल्डर चैंपियन बना है, मिस्टर ओलंपिया बना है, तो मिस्टर ओलंपिया बनकर ही रहे। और ऐसे में अगर एक चैंपियन हार जाए तो फिर वो एक गलत चीज़ होती वीडर के लिए, क्योंकि वीडर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर चुके थे। रोनी कोलमैन को 6 साल का लगातार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया था, तो कैसे वो रोनी कोलमैन को हरा देते? और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि 2001 में भी रोनी कोलमैन को जिताया गया। ये रीज़न मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बिलीव करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब जो वीडर अपने एथलीट्स को स्पॉन्सर करा करते थे, सबसे बड़े एथलीट को जब कभी वो स्पॉन्सर करते थे, तो वो ये चाहते थे बेसिकली, उस एथलीट से ये उम्मीद करी जाती थी हमेशा और करी जाती रही है हमेशा कि वो बेस्ट परफॉर्म करे। और उसको जिताना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी होती है मिस्टर ओलंपिया में, जो हम कहते हैं ना कॉन्ट्रोवर्सीज होना या पॉलिटिक्स होना, ये भी एक रीज़न है वीडर कॉन्ट्रैक्ट का होना। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे बात करी कि जो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होता है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ही होता है। तो इस साल हम लोगों ने देखा कि फिल हीथ हार गए। इस साल फिल हीथ के हारने के पीछे कई लोगों के अपने अपने रीजंस हैं। कई लोग कह रहे थे कि फिल हीथ का गट डेफिनेटली दिख रहा था, निकला हुआ था, उनकी कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, शॉन रोडन ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग में थे, वगैरह वगैरह, कई सारे अलग अलग रीजंस हैं। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि फिल हीथ का कॉन्ट्रैक्ट, जो AMI का कॉन्ट्रैक्ट था, जो वीडर कॉन्ट्रैक्ट था उनका, वो टर्मिनेट कर दिया गया था और कंपनी ने फिल हीथ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया था, क्योंकि AMI नहीं चाहती थी फिल हीथ को अब टॉप एथलीट के रूप में साइन करना, क्योंकि अब कंपनी को उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर फिल हीथ के पास में इस साल कॉन्ट्रैक्ट होता तो इस साल भी फिल हीथ ही विनर बनते, बावजूद इसके कि जैसी उनकी फिजिक थी, जो भी इनकी फिजिक थी, उस फिजिक के ऊपर भी वो विनर बनते। क्योंकि वीडर कॉन्ट्रैक्ट जब होता है या AMI कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो प्रायोरिटी पहले उस बॉडी बिल्डर को मिलती है, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन मैं इस सच्चाई को यहाँ पे रखना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी बात है ये। और हम लोग देखते हैं ना कि रोनी कोलमैन उस टाइम पर 2001 में जीत गए थे, रीज़न था इसके पीछे कि वो
वीडर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उनको और एडवांस 3 साल का मिला हुआ था पहले से। जे कटलर 2007 में जीत गए, उसके पीछे यही रीज़न था। जे कटलर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे। जे कटलर एक बहुत सबसे मैं कहूँगा सबसे एक्सपेंसिव एथलीट रहे हैं मिस्टर ओलंपिया के फील्ड में। डोरी नेट्स बहुत एक्सपेंसिव थे अपने टाइम में, और इस वजह से जो वीडर ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अपने एथलीट के साथ में, किस तरह उसको हारने दे। लेकिन इस साल फिलहित के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रैक्ट शॉन रोडन के साथ में भी कोई नहीं है अभी वीडर का या फिर AMI का। तो अगले साल उसका हमें एक और नया चैंपियन देखने को मिले। तो दोस्तों ये था एक रीज़न जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता था फिलहित के हारने का, जो कि शायद कोई भी मेंशन नहीं करेगा। ये एक हिडन रीज़न है, और इस बार मैं आपको बता दूँ कई सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स काफ़ी हैरान भी थे कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि IFBB हमेशा एक ही चैंपियन को बार बार विनर बनाती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ। और इस साल हमने ये भी देखा था कि फिलहित को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया गया, जबकि 8th टाइटल के लिए वो अपने जा रहे थे, अगर आपने चीज़ नोटिस करी हो। तो मैं फिलहित के फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से पर्सनली शॉन रोडन की फिजिक ज़्यादा अच्छी थी, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन जो डिसीजन गया, जो कि अनबायस्ड था, उसके जाने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि इन दो टॉप एथलीट्स के पास में AMI का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और फिलहाल जैसे कि मैंने आपके सामने अभी सिनेरी रखा बॉडी बिल्डिंग का, कि अभी ओलंपिया में कोई फेस नहीं है, कोई ऐसा बॉडी बिल्डर बड़ा नहीं है जो कि ओलंपिया को लगातार आगे बढ़ा करके रखे, उसकी एक लेगेसी को आगे बढ़ाए। और इस वक्त मेरे हिसाब से जिम मैनियन को एक ऐसे फेस की ज़रूरत है। तो आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा बॉडी बिल्डर है, मेरे हिसाब से बिग डैमी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रोली विंकलर एक साल अगले साल हो सकता है ओलंपिक चैंपियन, रोली बन जाए, या अगर काइग्रीन आए तो वो बन जाए। पर इससे अल्टीमेटली होगा यही कि ये जो अभी टाइम चल रहा है ओलंपिया का, ये लीस्ट फेमस टाइम कहलाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो सब मैंने इसमें वीडियो में बातें बताई हैं आप सबको, ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरीज नहीं है, ये कहना है खुद जो वीडर का। वो हमेशा से कहते थे कि मेरा ये जो कॉम्पिटिशन है मिस्टर ओलंपिया, ये हमेशा से दूसरी फेडरेशन के कॉम्पिटिशन से बड़ा रहा है और रहेगा, जब तक कि मेरे चैंपियन से एक लंबे टाइम तक रेन करते रहेंगे। तो ये एक ऐसी बात है जो कि आप लोगों को आज से पहले किसी ने बताई नहीं होगी, और एक ये ओलंपिया की पॉपुलैरिटी का ये एक राज है। आप लोगों को मैं एक स्टोरी बताता हूँ। रोनी कोलमैन जब 98 में चैंपियन बने थे तो किसी को उम्मीद तो थी नहीं, उम्मीदें थी फ्लैक्स व्हीलर से, केविन से, शॉन से, बन गए रोनी। और उस टाइम पर रोनी कोलमैन चैंपियन बन गए थे, लेकिन बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं था, और लोग समझते यही थे कि फ्लैक्स व्हीलर होंगे या फिर केविन होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैगजीन से ही सारे अपडेट्स मिलते थे, कोई यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, और रोनी कोलमैन को कोई इतना जानता ही नहीं था। हालत ये थी कि जब फ्लैक्स व्हीलर और रोनी कोलमैन जाते थे किसी गेस्ट पोजिंग में शो करने के लिए, तो फ्लैक्स व्हीलर को हमेशा ज़्यादा पे आउट मिलता था रोनी से, जबकि रोनी कोलमैन एक डिफेंडिंग चैंपियन थे। अगले साल भी 99 में भी रोनी कोलमैन को कोई इतना कुछ खास नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब रोनी कोलमैन लगातार चैंपियन बनते चले गए, तो उन्होंने अपनी एक लेगेसी बिल्ड करी और ओलंपिया की लेगेसी बिल्ड करी। ये दो चीज़ें उन्होंने करी। और कमाल की बात तो यह है कि उस दौरान ऐसा नहीं था कि लोगों ने रोनी को बहुत पसंद किया हो। आने वाले टाइम में जाकर के जब जे कटलर आए, तो कई लोगों ने यही चाहा कि जे कटलर रोनी कोलमैन को बीट करे, पर उसके बावजूद भी रोनी लगातार चैंपियन बनते चले गए और अपनी एक लेगेसी बिल्ड कर गए। तो दोस्तों भले ही हम लोग एक रेनिंग चैंपियन को पसंद ना करें, लेकिन फिर भी हर एक साल हमारे अंदर एक ही एक्साइटमेंट तो ज़रूर रहती है कि इस साल ये चैंपियन ज़रूर हारेगा, और वही एक्साइटमेंट है जो हमारी पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण हर साल का हम ओलंपिया देखते हैं। सोच के देखिए अगर ये एक्साइटमेंट पूरी हो जाए और हमारा मनपसंद बॉडी बिल्डर चैंपियन बन जाए, तो फिर हम क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे अगले साल का ओलंपिया देखने में। तो ये सब कुछ बातें हैं, ज़्यादा ही घुमा फिरा दिया मैंने वीडियो को। बाकी इसमें दोस्तों लेकिन मैं दो पॉइंट्स अभी और मेंशन करना चाहूँगा, जिनका कि बहुत बड़ा रोल है आज ओलंपिया को इस मुकाम तक पहुँचाने में और फेमस करने में। सबसे पहला पॉइंट कि ओलंपिया में सबसे ज़्यादा प्राइज मनी दी जाती है और दूसरे कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले, और ये बात हम सब लोग जानते हैं। और कुछ यही कारण है कि दूसरे एथलीट्स जो हैं वो खिंच करके अपने आप चले आते हैं इस कॉम्पिटिशन को खेलने के लिए, उनको मालूम है सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर इसी कॉम्पिटिशन में मिलता है। दूसरा पॉइंट, IFBB के पास में एक प्रमोटिंग स्ट्रैटेजी भी हमेशा रहती है। हर साल कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के तहत वो प्रमोट करते हैं अपने बॉडी बिल्डर्स को अगले साल के ओलंपिया के लिए। तो दोस्तों ये सब रीजंस हैं जो कि मिस्टर ओलंपिया को कुल मिलाकर के बनाते हैं दुनिया का नंबर वन बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। ये मेरा कहना था, बाकी आप लोग अपने रीजंस नीचे लिखिएगा आपको क्या लगता है, और कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट्स में। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।